हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, पिछले कुछ वीडियो में मेरे को कमेंट आ रहे थे कि देवों का देव महादेव का जो कैरेक्टर लिया है मोहित रैना सर, उनकी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ। तो गाइस, इस वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है, लेकिन मैं फर्स्ट आपको आउटलाइन का ट्यूटोरियल वीडियो दूंगा। इस वीडियो में आपको आउटलाइन सिखाऊंगा किस तरह से आप फ्री हैंड में आउटलाइन को अच्छी तरीके से आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पेपर में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो गाइस, उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो दो लाइन है उसके अकॉर्डिंग ही मैं सारी ड्राइंग को कंप्लीट करूँगा। तो चलिए मैं किस तरह से ड्रॉ करता हूँ आप देखते रहिए और स्किप मत करिए। इस लाइन में फर्स्ट आईब्रो को ड्रॉ कर रहा हूँ। फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके ही मैं किस तरह से यहाँ पर है उसी तरह से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। रेफरेंस फोटोग्राफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप ड्रॉ कर सकते हैं और मेरे को भेज सकते हैं इस इंस्टाग्राम में। उसका लिंक भी मैं नीचे दे दिया हूँ। यहाँ पर मैं सेकेंड आईब्रो को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि छोटी है फर्स्ट आईब्रो से, क्योंकि फेस टेढ़ी है। आईब्रो को देख के ही आई की पोजिशन को यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जब भी आप आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हो, थोड़ी सी लाइट पेंसिल का यूज करिए। HB या उससे कम ग्रेड का आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं और लाइट लाइट से ही ड्रॉ करिए। मैं आपको यहाँ पर मैं दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए ही मैं मैकेनिकल पेंसिल से थोड़ी सी प्रेशर अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं सेकेंड आई को ड्रॉ कर रहा हूँ फर्स्ट आई की तरह। तो गाइस, आप जब भी कोई भी ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑब्जर्व करिए आप रेफरेंस फोटोग्राफ को अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आप ड्रॉ करिए। नहीं तो जिस तरह से भी आप ड्रॉ करोगे तो फोटोग्राफ अच्छे नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, तो बिगड़ जाएगा आपका शेप एंड साइज। तो अभी मैं आई को देख के नोज की पोजिशन को देख रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी सी मैं पेंसिल मेजरमेंट का भी यूज करके मैं नोज को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं पेंसिल मिरर में से ड्रॉ कर रहा हूँ। किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, पेंसिल से मिरर करके रेफरेंस फोटोग्राफ को। जो भी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर आउटलाइन करते समय, जो कि हम बाद में जब शेडिंग करेंगे तो उसको ठीक करेंगे। आई और नोज के पोजीशन को देखते हुए यहाँ पर मैं लिप की पोजीशन को ड्रॉ कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत पेंसिल मेजरमेंट का भी यूज कर रहा हूँ। बाकी पार्ट को मैं रेफरेंस फोटोग्राफ को देखते हुए मैं बाकी पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस तरह से जिस पोजीशन में है। तो गाइस, इस ड्राइंग को मैं ड्रॉ करने के लिए आइवरी पेपर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एपर साइज का है, स्मूथ पेपर है, उसी का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप रफ पेपर का भी यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं एक ही हेयर को नेटवर्क कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पोजीशन दे रहा हूँ हेयर की किस जगह पर है। रेफरेंस फोटोग्राफ को देखते हुए मैं यहाँ पर सांप को ड्रॉ कर रहा हूँ, किस पोजीशन में है, किस तरह से है, तो थोड़ी सी आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जो भी एक्स्ट्रा लाइन वगैरह है यहाँ पर मैं इरेज कर दे रहा हूँ इरेजर की मदद से। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई ट्यूटोरियल वीडियो में, जो कि इसकी ही ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है जो कि शेडिंग का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।